मेरे भाइयों, बहनों और देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो मुझे समय दिया, जो आप अपना कीमती समय देके आप यहाँ पे आए, जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ जो दिलबाग सिंह जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल की, मैं तो ये कहूंगी कि ताकत हमारी रीढ़ की हड्डी, और जो भी वरिष्ठ पार्टी के नेतागण, माफ कीजिएगा अगर मैं नाम ना ले पाऊँ सबके, क्योंकि मैं अभी अभी आप लोगों के बीच पहुंची हूँ, तो मेरे पास अगर लिस्ट नहीं है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आप सब लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया और जो मुझे यहाँ आने का हौसला बख्शा, उसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, लोकसभा के चुनाव हैं और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं बेटे अर्जुन के लिए आप सब लोगों के पास हाथ जोड़ के अपील करूं कि 12 मई को आप सब लोग एनर का निशान के सामने का बटन दबा देना। सबसे पहला बटन है, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है जी आपको, आप वो बटन दबा देना और उसके बाद आपका बेटा, मैं आज उसकी चाची बन के आई हूँ, लेकिन मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगी, ये प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग, अब वो हमारा नहीं है, अगर वो कुरुक्षेत्र में है तो आप सब लोग उसकी कोई चाची, कोई ताई, कोई चाचा, कोई ताया बनके उसे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दें, ताकि वो बच्चा, कहते हैं कि घर के बच्चे को हौसला उसका परिवार देता है, तो आप सब लोग उसका परिवार हो, आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाओ और उसको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताओ, ताकि वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाके हमारे हकों की लड़ाई लड़ सके। जैसा कि आप सब लोगों ने सदैव बड़े चौधरी साहब, चौधरी देवीलाल, उनको आप सब लोगों ने बहुत प्यार बहुत सम्मान दिया है, और उनके जितने भी कार्य हैं मेरे से ज्यादा आप सब लोगों ने, बुजुर्ग बैठे हैं सबने देखे हैं, और जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, उन सबको भी पता है कि जो बड़े चौधरी साहब ने कार्य किए हैं, उनकी बदौलत ही आप सब लोगों के बीच में हम आने की जरूरत, हिम्मत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने झूठ की राजनीति नहीं की, कभी उन्होंने जुमले नहीं फेंके, जो किया बोल्ड होके किया और जो बोला वो लागू भी किया। जैसे कि 100 रुपए पेंशन का यदि मैं उदाहरण दूं, तो 100 रुपए से जो पेंशन शुरू हुई थी, तब सभी विपक्ष की जो पार्टियां थी उन्होंने इस चीज का विरोध किया था कि आप ये कैसे कर दोगे चौधरी साहब, हमारा तो खजाना खाली हो जाएगा। तब दादाजी ने बोला था कि मुझे नहीं पता कि मैंने तो चाहे कानून बनाओ, चाहे आसमान फाड़ो, चाहे धरती खोदो, मैंने जो बोल दिया वो तो होके रहेगा, और वो लागू हुई और आज वो पेंशन 2000 तक बढ़ गई है। तो मेरा आप लोगों से कहने का भावार्थ, क्लियर करने का मतलब यही है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो वादे सदैव किए वो हमेशा पूरे किए और उन्हें लागू भी किया। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने ये बोला कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, तो मेरे पास जितनी भी मेरी माताएं बहनें आप सब लोग बैठे हैं, 15 लाख मुझे नहीं लगता किसी के खाते में आए होंगे, या आए हैं माता जी? नहीं आए ना, तो वो आएंगे भी नहीं, और उल्टा उन्होंने एक काम और किया, नोटबंदी करके जितने भी हमारे पास थे वो भी हमसे ले लिए। तो मैं तो ये कहूंगी कि मेरे को तो इस बात की बड़ी टीस है, तो मैं तो 12 तारीख को ये बदला लूंगी एनएट के सामने का बटन दबा के। आप लोगों के पास भी ये मौका है, इस 5 साल के बाद जो उन्होंने हमें टीस दी है उसका बदला आपसे भी गुजारिश करूंगी,
कि 12 तारीख को जाके चश्मे के सामने का बटन दबा देना, हमारा ये बदला पूरा हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ठग की जो राजनीति उन्होंने की, उस चीज के लिए वो गलत। मैं उनको कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरे कहने पे आप खुद सोचे, अपने अंदर मंथन करें और फिर इस बात का डिसीजन ले। रही बात जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसमें जो कन्याएं हैं उनके लिए भी 5-5 लाख कन्यादान की राशि डिसाइड की है, और जो नौजवान है उनके लिए भी 15,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और हर घर के साथ एक नौकरी देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल सरकार करेगी। आप लोगों से मैं ये प्रार्थना करूंगी कि जो महाभारत का लड़ आज से कई साल पहले हुआ था, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनके अर्जुन, स्वयं अर्जुन का सारथी बनके उन्हें उस रण में विजयी दिलाई थी। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप इस रण में हमारे इस अर्जुन के सब लोग सारथी बनके भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभा देना। फिर आप लोगों से यह वादा है कि जो उस समय पांडवों ने अच्छा राज किया था, वैसा का वैसा माहौल अर्जुन आप सबको देगा। कहते हैं ना, अगर नाम और जगह में रिश्ता, तो ये नाम और जगह में रिश्ता है, तो राज भी वैसा ही वो आपको देगा। क्योंकि उसकी उम्र, उसका अभी पहला कदम है, उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है, 50 साल तक वो आपके बीच रहेगा, आप लोगों की नुमाइंदगी करेगा, आप लोगों की लड़ाई सदैव वो लड़ता रहेगा। यदि आप लोग उसको आशीर्वाद देते हैं तो आप लोगों को ये समझ लीजिए, 50 साल तक ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अपने काम किससे कराएं, कहाँ जाएं। वो आप लोगों के बीच, आप लोगों का बच्चा है, वो आप लोगों के काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो मैं उसकी चाची हूँ, कान पकड़ के उससे आपके सारे काम मैं करवाऊंगी। ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि जो हमारे पार्टी सुप्रीमो लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला 8 सलाखों के पीछे है, वो उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुना नहीं किया, उन्होंने सिर्फ गुना एक ही किया है कि नौकरियां दी। यदि नौकरी देना गुना है तो पिताजी से जब भी हम पूछते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि बेटा अगर नौकरी देना गुना है तो ये गुना तो मैं बार बार करूंगा। आज कुरुक्षेत्र की इस धरती पे युधिष्ठिर ने बसाया ये प्रदेश, तो जो सच्चाई के प्रतीक, जो सच्चाई के स्तंभ माने जाते हैं, मैं आप सब लोगों से कहूंगी कि इस पावन धरती पे आप लोग न्याय कीजिएगा, क्योंकि युधिष्ठिर ने सदैव सच्चाई का साथ दिया। और यहाँ पे आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि आप सब लोग भी सच्चाई का साथ दें, इस झूठ की राजनीति को दूर करें, ताकि जो हमारे हरियाणा की आज, जिसे हम बहुत खुशहाल हरियाणा कहते थे, जो बदहाली पिछले 15 साल से हरियाणा में फैली हुई है, इसके लिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हरियाणा को, अपने हरियाणा को हमें खुशहाल बनाना है। हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो है चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को हमें बाहर लाना है। आप लोगों से छुपी नहीं है ये बात कि आज उनका हक होते हुए भी उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा। कहीं ना कहीं इनका ये डर है कि अगर ये बाहर आए तो फिर नौकरियां देंगे और फिर अपनी सरकार बना लेंगे। तो मेरी आपसे तुम्हें प्रार्थना है, हमें अपने बाहर भी लाना है, हमें अपनी सरकार भी बनानी है, और हमारी आवाज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने के लिए आपके अपने बेटे अर्जुन को आपने ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताना है। मैं इतना ही बोलूंगी, इसके साथ मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगी कि मेरे साथ जोर से नारा लगाएं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश।
आजादी छुटाया, जिंदाबाद इंडियन नेशनल लोकदल, जिंदाबाद इंडियन नेशनल लोकदल, जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।